ओम शांति दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि अगर हम अपने सोच को बदलते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, अगर हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो हमारा लाइफस्टाइल बदल जाता है। डॉक्टर वॉन डॉयर ने एक बहुत सुंदर बात कही है, व्हेन यू चेंज द वे यू थिंक द पीपल यू थिंक द सिचुएशंस यू थिंक अबाउट एंड द लाइफ यू थिंक अबाउट इट कंप्लीटली चेंजेस। हमारा कंप्लीट सोच ही हमारी लाइफ का निर्माण करती है। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत गेम के बारे में बताऊंगा जो हम सब लोग बचपन से खेलते आए, और ये गेम अगर हम यथार्थ रूप से खेलें दोस्तों तो ये हमारी लाइफ को, हमारे माइंडसेट को, हमारे दृष्टिकोण को, हमारी सोच को सदा सदा के लिए परिवर्तित कर सकता है। जानते हैं दोस्तों ये कौन सा गेम है? ये गेम है गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर्स। हम बचपन से ही ये म्यूजिकल चेयर्स का गेम खेलते थे दोस्तों। उस म्यूजिकल चेयर्स के गेम में क्या करते हैं दोस्तों, 10 लोग होते हैं, 9 म्यूजिकल चेयर रखी होती हैं, और 9 म्यूजिकल चेयर्स में वो 10 लोग घूमते हैं, म्यूजिक बजता है, जैसे ही म्यूजिक रुकता है उनमें से 10 में से 9 लोग बैठते हैं और एक व्यक्ति एक्सक्लूड हो जाता है। दोस्तों पुनः म्यूजिक बजता है, 9 की 8 चेयर्स होती हैं और उसके अंदर फिर 9 लोग दौड़ते हैं और उनमें से एक व्यक्ति फिर एक्सक्लूड हो जाता है, और ऐसे करते करते एक एक करके हटाते हटाते अंत में दोस्तों एक ही व्यक्ति बचता है। वो व्यक्ति अल्टीमेटली विजय हो जाता है, वो विक्टोरियस यानी उसको विजयी घोषित किया जाता है। दोस्तों ये गेम भारतवर्ष में और समस्त विश्व में खेला जाता है, लेकिन यही गेम जापान में एक बहुत डिफरेंट तरीके से खेला जाता है। वहां के किंडरगार्टन्स में, स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चों को ये गेम खिलाया जाता है, लेकिन इसकी शर्तें थोड़ी बदल दी जाती। और वो शर्त क्या होती है? वो शर्त ये है कि 10 लोग हैं, 9 चेयर्स हैं, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति उस गेम से बाहर हो गया तो सब लोग हारे माने जाएंगे। यानी उन 9 चेयर्स पे 10 लोगों को बैठना है। अब दोस्तों क्या ऑप्शन बचेगा? जैसे ही म्यूजिक बजता है, बच्चे दौड़ते हैं और म्यूजिक बंद होता है, तो 9 बच्चे बैठ जाते हैं, लेकिन 10वें को वो एक्सक्लूड नहीं करते, उसको प्यार से एम्ब्रेस करके उसको अपने ऊपर बिठा लेते हैं। दोस्तों वो 9 की 8 चेयर्स होती हैं, उन 8 चेयर्स में पुनः वो लोग दौड़ते हैं और अब वो 10 बच्चे उन 8 चेयर्स पर एडजस्ट करते हैं। ऐसे करके दोस्तों धीरे धीरे चेयर्स कम होती जाती हैं और बच्चे प्यार से मिलकर एक दूसरे को एम्ब्रेस करके, एक्सेप्ट करके दोस्तों पूरी कोशिश करते हैं कि वो बाहर ना जाए, एक भी व्यक्ति बाहर ना जाए, जिससे अंत में जो मैक्सिमम लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर रहते हैं वो विजयी घोषित कर दिए जाते हैं। दोस्तों गेम वही है लेकिन माइंडसेट दोनों डिफरेंट है। जहां एक तरफ एक्सक्लूसिव माइंडसेट है, वहां दूसरी तरफ इंक्लूसिव माइंडसेट है। दोस्तों जब हम पहले गेम को देखते हैं तो वहां हमारा फोकस क्या होता है? वहां हमारा फोकस है आई मी एंड माई सेल्फ। दोस्तों जब संपूर्ण रूप से हम अपने ऊपर ही फोकस करते हैं, जब संपूर्ण रूप से हमारा माइंडसेट अपने ऊपर ही टारगेट करता है, तो हमें दूसरों की परवाह नहीं होती। हमारी लाइफ में केवल एक होम होगा कि किसी भी तरह करके मुझे जीतना है, मुझे हराना है, मुझे उस व्यक्ति को पीछे छोड़ना है। और ऐसे करते करते कभी कभी हम अपनों को भी पीछे छोड़ जाते हैं दोस्तों। ऐसी ट्रेनिंग से हमारा एटीट्यूड सेल्फिश हो जाता है, हम रूल्स को भी ब्रेक करते हैं, कभी कभी हम लोग परेशान भी होते हैं, स्ट्रेसफुल भी होते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट केवल जीतना होता है। और यही ट्रेनिंग जब बच्चों को बचपन से मिलती है तो उनका माइंडसेट एक्सक्लूसिव हो जाता है, यानी सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ फोकस हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, हम गेम्स रूल्स के गेम्स को बदल देते हैं कि हमें एक भी व्यक्ति हारेगा तो सब लोग हारे माने जाएंगे, तो उसके अंदर कंप्लीटली हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। अब वही बच्चे जापान के अंदर, उनका केवल एक एम होता है कि हम में से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए उनके मन में स्वयं को फोकस करते हुए दूसरों की तरफ भी ध्यान होता है। वो दूसरों के प्रति आदर की भावना, दूसरों के प्रति करुणा यानी कंपैशन की भावना, दूसरों के प्रति काइंडनेस की भावना, प्यार की भावना, इसको वो इंकल्केट करते हैं। उनको ये मालूम होता है कि यदि हम सब हैं तो हम जीतेंगे। उनको ये भी मालूम होता है कि एक भी व्यक्ति बाहर हो गया तो वो व्यक्ति जो है हमारे सबके हार के कारण बन जाएगा, इसलिए हम सबको इकट्ठे होकर जुड़कर रहना है। दोस्तों ऐसा माइंडसेट, ऐसी ट्रेनिंग जब बच्चों को बचपन से मिलती है दोस्तों, तो ये एक वंडरफुल यूनाइटेड नेशन बनाता है, यूनाइटेड सोसाइटी बनाता है, यूनाइटेड
स्कूल के अंदर बच्चों के माइंडसेट्स को यूनाइट करता है, उनके सोच के अंदर पॉजिटिविटी आती है, उनके सोच के अंदर वंडरफुल लीडरशिप स्किल्स आ जाते हैं। दोस्तों, लीडर वो नहीं होता जो अकेले चलता है, लेकिन लीडर की शक्ति वो है जो दूसरों को भी एम्पावर करके उनको भी शक्तिशाली बनाकर अपने साथ अपने ऊपर ले आता है। दोस्तों, आज हमारी लाइफ में यही प्रॉब्लम हो गई है, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम हमारे माइंडसेट को एक्सक्लूसिव करता है, लेकिन जब हमारा माइंडसेट इंक्लूसिव होता है, हर एक को साथ लेकर चलना, सबको साथ लेकर चलना, सबको आगे बढ़ाने की भावना के साथ चलता है दोस्तों, तो ऐसा माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव क्रिएशन करता है, ऐसा माइंडसेट हमेशा सक्सेस की तरफ जाता है। ऐसे माइंडसेट को, ऐसे ग्रुप को हराना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है दोस्तों। इसलिए आज यदि हम अपने जीवन में, संबंधों में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपने हर प्रकार से जीवन के अंदर सक्सेस चाहते हैं, अपने संबंधों के अंदर प्यार चाहते हैं, अपनी लाइफ में हार्मनी चाहते हैं दोस्तों, तो हार्मनी के लिए अपने माइंडसेट को चेंज करना बहुत 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 आवश्यक है दोस्तों। ये माइंडसेट हमारे सेल्फ सेंटर्ड माइंडसेट से हमारे जीवन के अंदर टीम स्पिरिट क्रिएट करता है दोस्तों। ये पावर ऑफ एडजस्टमेंट इसको बढ़ाता है। आप देखिए ना, जब वही चेयर्स के अंदर, छोटी सी जगह के अंदर जब हम एडजस्ट करते हैं तो हम सबको समा लेते हैं, ये सागर जैसी भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न करता है दोस्तों। आज अगर अपने संबंधों के अंदर आप श्रेष्ठता चाहते हैं दोस्तों, तो सबको साथ लेकर चलना सीखिए, अपने बच्चों को भी ये ट्रेनिंग दीजिए दोस्तों। लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे, परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होंगे, उनके भाव स्वभाव भी हमारे अनुसार नहीं होंगे दोस्तों, लेकिन साथ चलने में ही विजय है। साथ चलने के लिए जीवन के अंदर काइंडनेस की भावना, जीवन के अंदर कंपैशन करुणा की भावना, जीवन के अंदर एक दूसरे को समाने की भावना, और कभी कभी जीवन के अंदर दोस्तों सहन करने की भावना भी हमारी लाइफ में होनी चाहिए। जब ये माइंडसेट हमारा आता है तो ये इंक्लूसिव माइंडसेट होता है, ये हर एक को साथ लेकर चलता है, और ऐसे लोग जीवन में सदा सदा सफल होते हैं दोस्तों। इसलिए आज से अगर हम स्वयं की प्रगति, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश की उन्नति चाहते हैं दोस्तों, तो केवल इंक्लूसिव माइंडसेट को बनाइए। एक्सक्लूसिव माइंडसेट को हटाकर इंक्लूसिव माइंडसेट से ही हमारे जीवन में सुख और शांति समाई हुई है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, इस 3T सीरीज में ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे एनेक्डोट्स हमारी लाइफ को संपूर्ण रूप से चेंज कर देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, ऐसा ही कोई एग्जाम्पल, कोई एनेक्डोट है जो आप चाहते हैं आपके द्वारा हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे दोस्तों, तो हमको लिख भेजिए bkdrmohitgupta@gmail.com पर। आपकी बातें इन छोटे छोटे एपिसोड में लेकर हम प्रस्तुत होंगे, और दोस्तों केवल संकल्प से ही अपनी सृष्टि को बदल डालिए, अपने थॉट प्रोसेस से ही संपूर्ण लाइफ को आप बदल डालिए। शुक्रिया। ओम शांति।